करबला की जंग क्यों हुई थी, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्यों शहीद किया गया था और यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का प्यासा क्यों था, क्या वजह थी कि यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतना खौफजदा था कि करबला के मैदान में अपनी पूरी फौज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए भेज दी, क्या हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद को इतना खतरा था। ये सारी डिटेल मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस छोटे से वीडियो में बता सकूं। मुआविया इब्ने अबू सुफियान की वफात के बाद उसके बेटे यजीद इब्ने मुआविया को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त इंसान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा और उस खत में लिखा कि हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ये मेरी बयत को माने, अगर ये मेरी बात ना माने तो उन पर जुल्म और सितम करना। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बयत करने से इनकार कर दिया क्योंकि यजीद आपके नजदीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज लायक नहीं थे, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद फास्को फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खतूत आने शुरू हो गए। उन खतूत में लिखा हुआ था, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप कूफा तशरीफ ले आए, यहाँ पर यजीद का जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे ही बयत करेंगे, यजीद की बयत हमें हरगिज कबूल नहीं है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को ये कहकर कूफा रवाना कर दिया कि जाओ और वहाँ जाकर कूफा के हालात से बाखबर हो जाओ और वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के हाथों में 18,000 कूफियों ने बयत की और हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक खत रवाना कर दिया जिसमें आपने लिखा था कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने मेरे हाथ पर बयत कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ मक्का में हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं और आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन कूफा चलने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा रवाना हुए। यहाँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ रवाना हो गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत और कूफियों की बेवफाई खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम कूफियों के बुलाने पर ही कूफा शहर आ रहा हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में ना आऊं तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा शहर में दाखिल होने नहीं दिया। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। इस तरह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंचे। उधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे करबला के मैदान में लगाए हुए हैं तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी उनकी सिपहसालारी उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास कर रहा था।
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का या मदीना वापस जाने दो। मगर इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से एक बात भी कबूल नहीं की और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वक्त गुजरता गया और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 82 लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना खौफ था कि जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ 82 लोगों के साथ करबला में मौजूद थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया। याद रहे कि यजीदी फौज की तादाद के बारे में मौरखीन में बहुत ही इख्तलाफ है। असल तादाद क्या थी वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, जो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तो ही इनका मुकाबला किया जा सकता है। यहाँ पर ये बात याद रहे कि यजीदी फौज ने कभी भी कोई भी फैसला खुद तय नहीं किया था, बल्कि जो भी काम करबला में हुआ उनका आर्डर या तो यजीद भेजता था या फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जिसके हुक्म के मिलते ही वही काम सरंजाम दिया जाता था करबला में। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया। 7 मुहर्रम के दिन ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले पर यजीदी फौज ने पानी बंद कर दिया। आपको बताते चले कि करबला के मैदान में पीने के पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सवाए नहरे फुरात के। नहरे फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे वालों के लिए बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। यजीद की फौज, जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को चारों तरफ से घेरा हुआ था, 9 मुहर्रम के दिन जंग का ऐलान कर दिया। मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनसे जाकर कह दो कि हमें एक रात अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत मांगी तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 मुहर्रम की रात को अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह इकट्ठा किया और आपने फरमाया कि ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1 या 2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता हो वो यहाँ से वापस लौट सकता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलवाया गया तो सारे के सारे लोग उसी जगह पर बैठे हुए थे जहां पर बैठे थे और कोई भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीदी फौज के दरमियान जंग होना शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ यजीद की एक बहुत ही बड़ी फौज थी, वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो गया और सबसे पहला तीर उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास ने चलाया और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले और तमाम अफराद यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से बच्चों की प्यास बर्दाश्त ना हुई और आप एक मशकीजा लेकर घोड़े पर सवार होकर फुरात की तरफ निकल गए। नहरे फुरात पर पहुंचकर
आपने एक मशकीजा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौट रहे थे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जब तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर तीर बरसाकर आपको शदीद जख्मी कर दिया था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान को शहीद कर दिया गया और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद तलवार लेकर मैदान में आने का फैसला किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार से काफी वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिस पर यजीदी फौज के कमांडर उमर इब्ने साद को ये यकीन हो चुका था कि कुछ भी हो जाए हम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए उसने अपने तमाम फौजियों को ये हुक्म दिया कि एक एक या दो दो करके नहीं बल्कि तमाम तर एक ही वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करो। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक साथ हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान में बहुत ही बड़ी जंग चल रही थी कि इसी वक्त में नमाज असर का वक्त हो गया, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुश्किल वक्त और जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया यजीदी फौज को वो मौका मिल गया जिसका वो एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में गए, शिमर ज़िलजोशन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया। यहाँ पर मुख्तलिफ रवायतें मिलती हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिमर इब्ने ज़िलजोशन ने शहीद किया। दूसरी रवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सनान इब्ने अंस नखई ने शहीद किया और तीसरी रवायत में खुली इब्ने यजीद का नाम आता है, लेकिन ज्यादातर शिमर इब्ने ज़िलजोशन के बारे में रवायत मिलती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को नेजे पर बुलंद करके पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाले गए थे। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में कयामत तक लोगों की दिलों में जिंदा हैं।